श्री संजय राउत। धन्यवाद सर। आज हम गृह मंत्रालय के कार्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जब भी गृह मंत्री का विषय आता है, गृह मंत्रालय की चर्चा का विषय आता है, तो हमेशा सरदार पटेल की हम याद करते हैं। सरदार पटेल को लोह पुरुष की उपाधि से हमने विभूषित किया था, क्योंकि राष्ट्रद्रोही जो शक्तियाँ थी, जो अराजक तत्व थे, उनसे सरदार पटेल सख्ती से निपटाते थे। हैदराबाद के निजाम को सरदार पटेल ने घुटने टेकने को मजबूर किया था और जूनागढ़ के नवाब की मस्ती उतराई थी, ये इतिहास है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे गृहमंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हमारा प्रशासन राष्ट्रद्रोही और अलगाववादी जो ताकते हैं उनके छाती पर चढ़ जाएंगे। ये जो खतरनाक लोग आज भी हमारे देश में है, देश के हिस्सों में, कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, जो जिहाद के नारे देते हैं, उनको पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। खास करके स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट सिमी सबसे खतरनाक संगठन इस देश में आज भी मौजूद है, और हमारे देश में आतंकियों को तैयार करने की नर्सरी है, उस पर अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा है, फिर भी बहुत से जगह पे उनका कार्य आज भी शुरू है। ये सिमी जैसे जो ताकते हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करने में हमारा गृह मंत्रालय काम करेगा। सर, सिमी के माध्यम से इस देश के जो मुस्लिम युवा है उनको फुसलाने का काम हमेशा हो रहा है। इस देश के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जिनको अपने ही देश के खिलाफ खड़ा किया जाता है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का उसमें सीधा हाथ है। हमारे देश का आतंकवाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते से निर्यात हो रहा है, यह कोई गोपनीय बात नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस समय तहरीक ए तालिबान से लड़ने में व्यस्त है, और यही समय है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतनी मजबूती से पकड़ बना ले कि कोई पाकिस्तानी परिंदा भी भविष्य में यहाँ पर नहीं मार सकेगा। सर, बांग्लादेश की जो घुसपैठिया है उनका संकट हमेशा रहा है। यूपीए सरकार के समय बांग्लादेश पर जो बांग्लादेशी पर जो वोट बैंक राजनीति चल रही थी, खास करके असम और पश्चिम बंगाल में, ये दो राज्यों की सीमा पूरी तरह से अब सील करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश हो चुका है यहाँ के बांग्लादेशियों को अब भगा दिया जाए, उनके देश में वापस भेज दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। और अब उनको बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्रालय की है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में ललकार कर कहा था कि सत्ता में आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे और बांग्लादेशियों को यहाँ से भगा देंगे। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 2001 के राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार हमारे देश में लगभग 4 करोड़ से भी ज़्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते हैं, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के समीर गुहा रॉय के अनुसार दशक भर हर वर्ष औसतन 1 लाख बांग्लादेशी हमारे देश में घुस जाते हैं। आज के जो वर्तमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोवाल जी, उसने 2006 में दावा किया था कि हिंदुस्तान में लगभग 200 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठियों मतदाता बनकर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षित वोट बैंक के चक्कर में कुछ लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात अगर हम करते हैं तो अपनी छाती पीटने लगते हैं। इस बार ये नहीं होना चाहिए। श्री डोवाल साहब आज हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो हमें संकल्प करना चाहिए कि हमारे कार्यकाल में ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशियों को उनके वतन भेज देना चाहिए। हिंदुस्तान में हर दिन लगभग 200 बांग्लादेशी घुसते हैं, और सिर्फ 2000 रुपये खर्च कर कोई भी बांग्लादेशी मुंबई तक पहुंच जाता है
और 200 रुपये में उसको रेशन कार्ड मिलता है और रेशन कार्ड मिलने के बाद उसको आधार कार्ड मिलता है। ये मुंबई की परिस्थिति है और मुंबई जैसे बहुत बड़े शहरों में इस प्रकार से काम होता है। सर, आज भी मुंबई शहर में लगभग 40 लाख बांग्लादेशी मुंबई आसपास ठाणे मुंब्रा नवी मुंबई में 40 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी आज मौजूद है और असम और पश्चिम बंगाल के तो कई जिलों की डेमोग्राफिक की तौर पर बांग्लादेशी ने पूरा बदल दिया है कि जब तक बांग्लादेशियों से आप अलायंस नहीं करेंगे, उनके लोगों के साथ अलायंस नहीं, आप चुनाव नहीं जीतेंगे। ये जो राजनीतिक साठगांठ बांग्लादेशी से होती है वो भी ख़त्म करने की जिम्मेदारी आज हमारे सरकार पे है। सर, मेरी पार्टी शिवसेना ने हमेशा प्रखर राष्ट्रवाद की बात की है, राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राधान्य दिया है। हमारे शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहेब ठाकरे जी और अभी उद्धव ठाकरे साहब ने भी सबसे पहले राष्ट्रवाद को पुकारा है, लेकिन जब हम राष्ट्रद्रोही शक्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बांग्लादेशी और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अफगानिस्तान और ईरान के टेररिस्ट के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और दूसरी ओर कुछ राज्यों में प्रांतवाद को बढ़ावा दिया जाता है। सर, मैं सदन में कर्नाटक के येल्लूर में जो हुआ उसका जिक्र करना चाहता हूँ। कर्नाटक के येल्लूर में आपको मालूम होगा सर कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमावाद बहुत पुराना है और भाषावार प्रांत रचना के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी भाषियों के ऊपर अन्याय होता हमेशा होता है। खास करके बेळगाव की बात मैं करता हूँ, निपाणी की बात करता हूँ, कारवार की बात करता हूँ। यहाँ की सरकार हमेशा वहाँ के मराठी भाषियों का गला दबाने का काम करती है, लोकतंत्र का गला दबाने का काम करती है। इस बार भी सर, येल्लूर में सिर्फ महाराष्ट्र का एक बोर्ड वहाँ था, महाराष्ट्र राज्य का बोर्ड वहाँ था, फिर कर्नाटक सरकार की पुलिस वहाँ की जो वहाँ जिस तरह से पुलिस येल्लूर में घुस कर वहाँ जिस तरह से दहशतवाद किया है, ये सर गलत है। सर, बेळगाव की महानगर पालिका में हमेशा वहाँ की मराठी लोगों ने जीत प्राप्त की है, वहाँ भगवा झंडा फहरा है, लेकिन सर भगवा झंडा आज अमेरिका भी उसकी आज ताकत मानती है कि भगवा झंडा और ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक सरकार बार बार वहाँ अन्याय करती है, मैं ये मांग करता हूँ ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, जब तक वहाँ फैसला नहीं होता है वो पूरा भाग केंद्र शासित करने की जिम्मेदारी हमारे गृह मंत्रालय की है और मुझे लगता है ये कोई अन्याय नहीं है, ये न्याय करना है, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। सर, ये महाराष्ट्र की जनता की मांग है, ये पूरी देश की मांग रही। टाइम इज ओवर। नहीं सर, योर टाइम इज ओवर, प्लीज। सर, टाइम इज नॉट ओवर सर, मेरा और दो मिनट बाकी है, ऐसा नहीं चलेगा सर। ये न्याय की बात है, जिस तरह से कर्नाटक के सीमावर्ती भागों में अन्याय किया जाता है मराठी भाषियों के ऊपर, तो वहाँ की सरकार किसी की भी हो, चाहे हमारी मित्र पार्टी की हो या कांग्रेस पार्टी की हो, हमेशा वहाँ के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र की तरह अन्याय किया जाता है। Okay. सर, That's all. 8 minutes, please. सर, no, please. No. Mr. Raut, your time. Sanjay Raut. No, please. Sir. Sanjay Raut, your time is over. सर, मैं मुंबई की बात करता हूँ। 26/11 को 6 साल हो गए सर, आज भी मुंबई की सुरक्षा राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। अब तक वहाँ न सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना सुरक्षा का कोई इंतजाम हुआ है। सर, गेटवे ऑफ इंडिया, आज भी गेटवे ऑफ इंडिया से हमेशा की तरह कितने भी कसाब अंदर आ सकते हैं और मुंबई पे हमला कर सकते हैं, लेकिन ना समुद्र सुरक्षा की बात है, ना सीसीटीवी कैमरे की बात है, ना वहाँ की हमारी ATS जो टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई थी, वो अब तक ATS को कोई ताकत नहीं दी है। तो मैं मानता हूँ। Now please conclude. Sir, your time is 7 minutes. You have taken 9 minutes. Sir, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की बात मैं करना चाहता हूँ। आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से अबू जिंदाल पाकिस्तान में गया और वहाँ से उसने 26/11 का जो हमला हुआ उसका कमांडर अबू जिंदाल था जो मराठवाड़ा से गया था, और आज भी मराठवाड़ा में टेररिस्ट रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी साजिश चलती है और ऐसे बहुत से यासीम भट्टाचार्य से पाकिस्तान में जाते हैं और पूरे देश का टेररिज्म कंट्रोल करता है। मैं गृह मंत्रालय से इस बार विनती करूंगा
कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा हो या आसपास के इलाके में जिस तरह से ये सिमी और ये अलकायदा का वहां से जो कंट्रोल बना हुआ है आप उसको खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश करना चाहिए। नाउ टेक योर सीट। सो आई विल लुक इनटू इट। सी इफ एनीथिंग ऑन पार्लियामेंट्री आई विल एक्सपेंड। ओवर आई एम गोइंग टू एडजॉर्न। सिट डाउन। ओवर। पुणे में दैट्स ओवर। नथिंग मोर इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड।